सूत्र दे वाले तो इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया कुमार विजय प्रताप दा इस्तीफा पंजाब सरकार दे बोलो कुमार विजय प्रताप दा इस्तीफा भेजा गया सूत्र दे वाले तो खबर है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एजी अतुल नंदा मंत्रियां ते विधायकां दे नाल मीटिंग कीती सी नवी एसआईटी दे मेंबरां नूं नाल लेके मंथन किया गया सूत्रों के हवाले तो इस वेले की बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा हालांकि सूत्रों के हवाले तो खबर है पुष्टि होनी हाले बाकी है लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एजी के नाल मंत्रियों विधायकों के नाल मीटिंग की उस बाद एसआईटी के मैंबरों के नाल भी मंथन किया गया संभावना जाहिर हो रही है कि नवी एसआईटी का गठन हो सकता है फिलहाल गृह मंत्रालय में कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा भेज दिया गया सूत्रों के हवाले तो खबर है लेकिन कुंवर विजय प्रताप इस पहला राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के नाल भी मिलने के लिए पहुंचे सन और उस मुलाकात के बाद कुंवर विजय प्रताप ने कहा सी कि चाहे वह इस्तीफा दे दें चाहे वह अहुदे से नहीं रहन लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए जरूर सरकार की मदद हो करते रहेंगे गृह मंत्रालय फिलहाल कुंवर विजय प्रताप का इस्तीफा भेज दिया गया दस दिए कि कुंवर विजय प्रताप के वालों जो जांच अमल लिया गई जो एसआईटी का गठन किया गया जो जांच जिस तहत की गई उस तो बाद कुंवर विजय प्रताप के इस्तीफे की मांग ना सिर्फ विरोधियों के वालों सगों अपने के वालों भी की जा रही थी नीतिका महेश भी साढ़े नाल फोन लाइन से जुड़ चुके ने लाइव जुड़ चुके ने साढ़े नाल नीतिका महेश्वरी नीतिका वार वार मीटिंग्स होंदिया रही कुंवर विजय प्रताप नूं बुलाउंदे रहे लेकिन मन्ने नहीं कुंवर विजय प्रताप और आखिरकार गृह मंत्रालय भेज दिता गया इस्तीफा बिल्कुल कुंवर विजय प्रताप ने पहले कह दिता सीगा कि वह इस्तीफा जरा लेके रहेंगे ते अड़े भी हुए सीगे हालांकि मुख्यमंत्री पंजाब ने उन्होंने मनाने की कोशिश की सी पर खुद कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि मैं मैनु मनाने की कोशिश की गई पर मैं उन्होंने मनाया आ यही कारण है कि हूं पंजाब गवर्नमेंट ने उन्होंने इस्तीफा जरा एम एच ए भेज दिता क्योंकि एक प्रोसीजर हों जिस फॉलो करना हों हूं एम एच ए ही देखना होगा कि उन्होंने इस्तीफा मंजूर करता है या नहीं करता पर यह जरूर है कि पंजाब गवर्नमेंट ने उन्होंने इस्तीफा जरा अगे भेज दिता है अज मीटिंग भी हुई सी सीएम पंजाब दी एजी पंजाब दे नाल उदे विच उस मीटिंग दे विच कांग्रेस दे कई जड़े लीडर्स ने और शामिल हुए ने जानकारी ए भी मिल रही है कि उस मीटिंग दे विच ए भी चर्चा की गई कि आखिर जे नई एसआईटी बनाई जाती है नवी एसआईटी दे विच केड़े ऑफिसर्स नूं रख्या जावे ते होर की कुछ ऑल्टरनेट ने लीगल आस्पेक्ट्स की ने कि रिपोर्ट जिहड़ी है जनतक कीती जावे या नहीं क्योंकि कुंवर विजय प्रताप कह रहे ने कि जिहड़ी रिपोर्ट असी एज अ चलान पेश ही कर दी वह पब्लिक डोमेन दे विच आ गई है वह जनतक हो गई है उस नूं लुकाउण दी जरूरत नहीं है पर की पंजाब सरकार इस रिपोर्ट नूं जनतक करेगी या नहीं या कर सकती है या नहीं कर सकती उस बारे भी अज मीटिंग दे विच जरूर चर्चा हुई है ते नाल ही हाईकोर्ट दे ऑर्डरस दी कॉपी दा जिहड़ा है इंतजार हो रहा है ताकि उस तों बाद पंजाब सरकार जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट रुख कर सके ते सकते हैं कि आज कई लीगल जिहड़े आस्पेक्ट्स हैं उस ते चर्चा जिहड़ी है पंजाब दे मुख्यमंत्री ने एजी पंजाब ते कांग्रेस दे लीडर्स नाल कीती है ते इसे विच क्योंकि कुंवर विजय प्रताप अड़े हुए सीगे इस्तीफे नूं लैके तुहानूं इह वी दस दईए गगन जे कोई वीआरएस लैणा चाहुंदा है तां उहनूं रोक नहीं सकदे यानी कि उहनां नूं इक वार जरूर कन्विंस कीता जा सकदा है पर तुसीं उहनां दा इस्तीफा नहीं रोक सकदे तां जिहड़े कुंवर विजय प्रताप ने उहनां ने रीजन इही लिखिआ कि मैं 22 साल सर्विस कीती है ते हुण मैं वीआरएस लैणा चाहुंदा ते इसलिए मैनू जिहड़ी है मेरा इस्तीफा जिहड़ा मंजूर किया जाए तो वीआरएस रोक नहीं सकते यही कारण भी है कि पंजाब सरकार ने जिहड़ा है उन्हां दा इस्तीफा एमएचए नूं भेज दिता है लेकिन इस नाल कई तरह के सवाल उठ खड़े हुंदे ने क्योंकि कुंवर विजय प्रताप ने एक वड्डी गल कह दिती है उन्होंने कहा कि चार्जशीट जिस वेले दाखिल की गई सी उस वेले रिपोर्ट जनतक भी हो चुकी है सुनील जाखड़ हाले काले कह के हटे ने हाले कानूनी अड़चना देखांगे उस तो बाद जनतक रिपोर्ट करांगे देखिए कुंवर विजय प्रताप कह रहे हैं कि पहले ही जनतक हो चुकी है इसके पीछे की सच्चाई है बिल्कुल इस दे सारे जिहड़े लीगल आस्पेक्ट्स हैं उससे चर्चा जिहड़ी है वह गगन चल रही है क्योंकि कोई कह रहे ने जे गल कीती जावे जिहड़ी इस केस दे विच एक्यूज्ड ने उन्हां दे वकील दा कहना है कि यह चलान की कॉपी ये चार्जशीट की कॉपी जिहड़ी है उदों तक जनतक नहीं कीती जा सकती जदों तक इस मामले ते
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਤਿਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ